अभी भी एक पार्सल आया है, ये देखें लिखा हुआ है बेंगलोर से आया है, तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सा फिश निकलता है। आप ये मत समझ लेना कि कहीं गिफ्ट आया हुआ है, ये मैंने ऑर्डर करके मंगाया हुआ था और कुछ दिन के बाद मैंने कैंसिल कर दिया था, बट ये फिर भी आ गया। ओपन करके देखते हैं। टाइम आ गया कि अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें पैकेट में थोड़ा सा दाना रखा हुआ है और ऊपर से लेयर कुछ इस तरह पट्टी वगैरह डालेंगे। अभी इसके अंदर मछली जिंदा है या फिर नहीं होना पड़ेगा, मुझे टेंशन हो रहा है इस मछली के बारे में। इसके अंदर मछली है गाइस, क्या पता जिंदा है या फिर सब। हाँ जिंदा है, जिंदा है, एक है, एक ऑस्कर है। ये देखें गाइस, रेड ऑस्कर, शुक्र है कि कम पानी है काफी, लेकिन जिंदा है। इतने कम पानी में हमारा ऑस्कर कैसे भी करके सर्वाइव कर गया था। हम खोलते ही और थोड़ा पानी से ऐड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, साइड में पट्टी वगैरह है ना, सब कुछ पूरा भीग चुका था। कुछ टाइम उसको रेस्ट करने देते हैं, फिर हमारा ऑस्कर जो है धीरे धीरे होकर एक्टिव हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। अभी मैं इस तरह वाले घर में आया हूँ क्योंकि अपने बर्ड्स के ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। सुबह से मैंने सीड्स वगैरह दे दिया था और ये चने दाल अभी के भिगाए हुए हैं, ये मैं कल दूंगा। तो गाइस फिलहाल मैं अजगर के अंदर आ गया हूँ और आपको याद होगा कि यहाँ पर कुछ जावा बर्ड्स रखे हुए थे और यहाँ पर हमारे फिंचेस का एक छोटा सा केज था, इसमें फिंचेस का कॉलोनी बनाया हुआ था। ठीक है, हम अब ये क्या किया है ना, इतने सारे जावा बर्ड्स हैं वो मैं रिलीज़ कर दिया हूँ खुले में, ये घूम रहे हैं। क्योंकि जावा बर्ड्स जब स्टार्टिंग हम रखे हुए थे ना, सारे मेल के फीमेल को एक एक करके मरने लगे, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं खोल दिया उनको। हमारे जितने सारे बंगाली फिंचेस और जेब्रा फिंचेस थे वो दोनों को लेकर हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, उस तरफ उनको केजेस बनाकर मैंने दिया हुआ है। और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमारे कॉकटेल एक यहाँ पर है और इस वाले केज के अंदर शायद ये लोग ब्रीड किए हुए हैं, अंडे दिए हुए हैं, और इसके अंदर एक जावा बर्ड्स का पेयर जाता है। वो खोल के चेक करते हैं, ये तो पूरा खाली है। और इस बॉक्स में हमारे कॉकटेल अंडे दिए हुए थे, अभी चेक करते हैं। फिलहाल एक ही अंडे हैं, ये कॉकटेल अंडों पे बैठ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या इनकी दिक्कत है। और हमारा मैंगो वहाँ पर है, आपको याद होगा पुराने वाला, वो अब वापस से ऐसे कंधों पे हाथ पे नहीं आता है, वैसे हमको धीरे धीरे ये भूल चुका है। और हमारे बजीज कुछ इस तरफ हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी फिंचेस हैं और हम जो ब्लैक मुनी है ना वो वाले रखे हुए हैं इस तरफ, नज़र नहीं आ रहा। ये स्ट्रॉबेरी फिंचेस रहा और ये देखें, वो देखें कोई, अरे भाई बस कर, ये देखें इस तरफ ब्लैक मुनिया बैठे हुए, ये एक बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे स्ट्रॉबेरी फिंचेस और ब्लैक मुनिया बस रखा हुआ। और इस तरफ हमारे बजीज जो है ना ब्रीड के लिए, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये रही बजीज, ये देखें बजीज, ठीक है, ये फीमेल बजीज है सबसे पुरानी वाली। और ये यहाँ पर तीन अंडे दी हुई है, अंडे अनफर्टाइल है शायद, काफ़ी दिन से बैठी हुई है, बच्चे नहीं निकले हुए। खैर अभी इनको यहाँ पर मैंने खाना वगैरह दे दिया है, सही से ये लोग खाना खा लिए हैं, बच्चे को फीड कराएंगे और इन लोग अंडे में पता नहीं शायद बैठेंगे। और जावा बर्ड जो है ना, मैं इनके लिए बहुत जल्दी मटका लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, उस साइड कॉर्नर में मटका लगाएंगे, इस साइड भी कॉर्नर में मटका लगेंगे और चारों तरफ कोने में मटका लगा देंगे ताकि जावा बर्ड्स ब्रीड करें। काफ़ी दिन से हम लेकर आए हैं, आपको याद होगा कि हम कलकत्ता से लेकर आए थे और तकरीबन 3 से 4 महीने तो हो गए होंगे, तो इनको ब्रीड लेने के लिए मटका लगाना चाहिए। जो हैदराबाद से ऑस्कर फिश आया था ना, वो सिंगल ऐसे मैंने रात को ही छोड़ दिया था उसको एक्वेरियम के अंदर, रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन वो गाइस अब नहीं है क्योंकि पैरोट फिश मिलकर सब उसको मार दिए थे। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता इसलिए मैं इसको लेकर दफना दिया हूँ। ये वाला छोटा सा केज है ना जो, इसमें ब्रीडिंग के लिए रखे हुए फिंचेस को, इन बंगाली फिंचेस अगर जा रहे हैं यहाँ पर, धूप लगती है क्योंकि उस तरह वाले घर में धूप नहीं लग रही थी, जिसके लिए हमारे फिंचेस धीरे धीरे बीमार होते जा रहे थे और मर रहे थे। सर्दी के दिन में धूप लगना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर ये छोटा छोटा केजेस लाइन करके लगा दिए हैं। देखते हैं, आज ही लगाया केजेस, ये देखो बंगाली फिंचेस, फाउंड बंगाली फिंचेस। और उस तरफ ज़्यादातर पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे चूहे आ जाते थे, हल्का सा ही बीमार होकर जो फिंचेस नीचे बैठते ना, चूहे उन पर हमला करके उनको ले जाते थे, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था कि यहाँ से लेकर आए। और एक ही पैर बचा हुआ हमारा व्हाइट फिंच, इसी वजह से इनको अलग करके रखे हम,
ये देखते हैं ये क्या पता ये लोग ब्रीड करते हैं अपने, ये हमारे घर के ही बच्चे हैं, इससे माँ बाप पता नहीं किस तरह से बीमार में चले। तो इसमें नीचे एक बैठा हुआ है मेल, इसका पैर जख्मी है, सही से चल नहीं पा रहा क्योंकि चूहे उसके पैर को काट काट लिए हैं। और एक नीचे से इसका पैर आधा नहीं है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं घुटनों के नीचे नहीं है। ये देखिए ये जो फाउंड में गलत नीचे ना, देखिए इसका पैर नहीं है, उड़ के चला गया उस तरफ। सही में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ऐसे में देख देख पाऊंगे आप। अरे 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 ये देखिए ये अब नज़र आ रहा होगा, उसका एक ही पैर है और एक लात है बस, ठीक है। और कीवी के हम यहाँ छोड़ देंगे, कीवी कीवी आ जा आ जा आ जा आ जा, जा। ये देखेंगे इस इसको आदत हो गई है, अब ये उड़ उड़ के आ जा आ जा अच्छा 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 गुड गुड गुड। और खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैं कहता हूँ आपको अच्छी लगी होगी लाइक करना और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में।